व्यक्ति का कर्तव्य है कि सिचुएशन इज ग्रीन, आई एम यूजिंग द वर्ड, मामूली योजना नहीं है। पंजाब यदि हम सोते रह गए, गफलत में रह गए, तो पंजाब बर्बाद होने का चांस है। ड्रग्स का इतना बड़ा हमला हो रहा है इस रूप में, और ड्रग्स के साथ में वेपन भी आ रहा है। सेहतमंद पंजाब का सुपना जिहड़ा वो साकार हो रहा है। असी 15 अगस्त नूं 100 आम आदमी क्लीनिक लोकां दे समर्पित कीते सी, ते मैनूं दसदिआं इह खुशी हो रही है कि लोकां ने इस नूं बहुत वैलकम किया, तां स्वागत किया। हुण तक 7.5 लाख लोग इत्थे ओपीडी का फायदा लै चुके ने। 1 लाख तों ज़्यादा लोग इन क्लीनिकां दे विच मुफ्त टैस्ट करा चुके ने, दवाइयां सारियां मुफ्त मिलदियां ने। तो मैनूं दसदिआं इक होर खुशी हो रही है कि 27 जनवरी 500 मुहल्ला क्लीनिक होर जिहड़े ने वो लोगों के समर्पित किए जाएंगे, ताकि असी रंगला पंजाब जिहड़ा बनाउणा है उस सेहतमंद पंजाब भी शामिल होवे। भी पकड़े गए हैं, कई कितने पकड़े जाते हैं, कितने नहीं आते हैं। डीजीपी साहब की बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, फैक्ट एंड फिगर के साथ में इन्होंने रखा है। परंतु इसके बाद में भी इतना फैलाव, गांव वाले बोलते हैं कि जैसे जनरल स्टोर के अंदर में टूथपेस्ट मिलता है, आप जाके ले लो, वैसा यदि आप चाहो तो आपको ड्रग मिल जाएंगे कहीं भी। ये सिचुएशन तो बर्दाश्त नहीं कर लेंगे चाहिए। हर देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है, मैं तो ये कहूंगा कि इसका मुकाबला करना है, ये लड़ाई समझो, परोक्ष वार। वार में हर राष्ट्रभक्त खड़ा हो जाता है, वैसे ही हमारे पंजाब के हर भाई बहन ने खड़ा। बर्बाद कैसे होने देंगे नेक्स्ट जनरेशन को, उसका मुकाबला होना चाहिए। और यदि नहीं होता है कोई कारण, तो मैं तो यहां तक कहूंगा राज्य सरकार को, जवाबदारी राज्य सरकार की है। नहीं होता है केंद्र से मदद मांगो, केंद्र की भी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की लड़ाई में उसमें यह कमजोरी है, क्या क्या चाहिए केंद्र से मांगो ना। मुख्यमंत्री साहब के अच्छे रिश्ते हैं, गृह मंत्री साहब से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिलते हैं, बात रखते हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, करूँगा ना। जनता को जागृत करने की जरूरत पंजाब की, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बीमारी आगे ज्यादा नहीं बढ़ जाए, इसको यहीं पे हर हालत में रोकना है। ड्रग का ये ऑर्डिनरी मामूली इशू नहीं है, और खुद हमारी चिंता का विषय है कि टोटल ड्रग एडिक्टेड नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसी बनाएंगे क्या। सबकी जिम्मेदारी है, कोई कीमत पर हम सहन नहीं कर सकते ये चीज। देखो पंजाब के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी तो अकाली दल की सरकार सी, उस समय नशियां नूं पंजाब दे अंदर पैदा किया गया, और उन्होंने बड़ा पाल के बड़ा किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। जदों साडी सरकार आई आ, आम आदमी पार्टी की सरकार आई आ, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार आई आ, लगातार नशियां के खिलाफ वड्डे वड्डे एक्शन हो रहे हैं, वड्डे वड्डे नशा तस्कर फड़े जा रहे हैं, बिल्कुल नशियां का सफाया हो रहा गा। सो गवर्नर साहब नूं अपने अहुदे की माण मर्यादा बना के रखनी चाहिए, अपने अहुदे अधीन रहना चाहिए, उन्होंने राजनीति नहीं करनी चाहिए।